बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। बदमाशों द्वारा रंगदारी मांगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन निरकश पुलिस भी अब रंगदारी मांगने के आरोपों के कटघरे में खड़ी हो गई है। पुलिस का ये डरावना चेहरा साइबर सेल में तैनात कर्मचारियों के रूप में सामने आया है। पकड़े गए लोगों से इन लोगों ने उन्हें छोड़ने की एवज में 7 लाख रुपए की मांग की और अंत में मरता क्या ना करता सौदा 5 लाख रुपए में तय हो गया। इसकी शिकायत हुई तो विभाग हरकत में आया और 2 कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिए गए। मजेदार व आश्चर्यजनक बात यह है कि सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी फरार हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इनकी तलाश की जा रही है। गंभीर बात यह भी है कि इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस विभाग के जिम्मेदार लोगों द्वारा रंगदारी मांगी गई है। नोएडा पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें नितिन चौधरी निवासी कृष्णा तेल मिल गेट मोदी नगर गाजियाबाद और सोनू निवासी ऑयल मिल गेट मोदी नगर गाजियाबाद शामिल हैं। ये दोनों ही पुलिस के एक विंग साइबर सेल में कार्यरत हैं। इन दोनों को भ्रष्टाचार व वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल माजू चौहान ने थाना फेस 3 नोएडा पुलिस में मामला दर्ज कराया था कि उसकी कंपनी जो सेक्टर 65 में है, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से है, वहां बीते 10 फरवरी को सिविल कपड़ों में एक टीम आई और खुद को साइबर सेल थाना नोएडा का पुलिसकर्मी बताया और कंपनी के वसीम सहेल व परवेज को ले गई। उन्हें छोड़ने के एवज में 7 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद 5 लाख रुपए में उन्हें छोड़ने का सौदा हुआ। 2 लाख रुपए उसी वक्त वसूल लिए गए, जबकि 3 लाख बाद में इंतजाम होने पर देने की बात तय हुई। आरोपी रंगबाज पुलिसकर्मियों ने बाकी रकम के लिए 14 फरवरी को उन्हें नोएडा स्टेडियम बुलाया और बकाया 3 लाख न देने पर उठाकर अंदर करने की धमकी देते हुए पैसों के लिए दबाव बनाया। मजबूर होकर उन्हें थाना पुलिस की शरण में जाना पड़ा, जिस पर नितिन चौधरी व सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान साइबर में तैनात कांस्टेबल नितिन चौधरी और मोदी नगर गाजियाबाद निवासी सोनू के रूप में हुई है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उस दिन साइबर थाना नोएडा के सब इंस्पेक्टर सहित 5 अन्य लोग शामिल थे। 2 लाख रुपए इन सभी में बांटे गए थे। इनके नाम दरोगा चेतन प्रकाश, आरक्षी सुमित पावला, सुमित शर्मा, अतुल नागर, सुमित मंडार है। ये सभी गौतम बुद्ध नगर के साइबर क्राइम थाने में तैनात हैं। गंभीर बात यह भी है कि नोएडा साइबर पुलिस का ये पहला कारनामा नहीं है। इससे पहले भी नोएडा पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में अधिकारी बदले, सिस्टम बदलकर कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ, लेकिन नोएडा पुलिस के दामन पर दाग बराबर लगते रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में कॉल सेंटर और फाइनेंस कंपनी को लेकर पहले भी साइबर क्राइम पुलिस और स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।